ऑसम इंडियन होम चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि प्लास्टिक के कंटेनर से हमें स्टिकर्स और ग्लू को कैसे हटा सकते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर्स जो कि जैसे कि हम ये लेके आते हैं मायोनीज या पीनट बटर, कुछ ऐसे आइसक्रीम्स, तो उसके ऊपर स्टिकर्स लगे होते हैं। हम इन्हें कंटेनर्स को कई बार यूज़ कर लेते हैं कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए, तो ये स्टिकर्स निकालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। कई बार उसको हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं कि ये इस तरह से निकल जाए, पर बहुत ट्राई करने के बाद भी ये नहीं निकलते। अगर निकल भी जाते तो जो नीचे ग्लू होती है वो नहीं छूटती। तो उसको बताती हूँ कि मैं आप किस तरह से मैं इसको निकालती हूँ। ये देखिए मैं ट्राई कर रही हूँ, इसकी स्टिकर्स जो है वो हाथ से नहीं निकल रहा। ये ग्लू इतनी हार्ड होती है, इतनी स्टिकी होती है। तो सबसे पहले हमें एक गर्म पानी का पतीला लेंगे हम, और उसमें हम अपनी जो भी कंटेनर है उसको हम इसमें डिप कर देंगे। पानी जो है वो बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम कोजी वाटर होना चाहिए ताकि जो ये प्लास्टिक का कंटेनर है, नहीं तो वो जल जाएगा हमारा। तो ये मैं दो कंटेनर है छोटे, इसको यूज़ कर रही हूँ इसके स्टिकर्स निकालने के लिए। तो इनको हमने डिप करके आधे घंटे तक रख देना है ताकि जो इसका जो ऊपर स्टिकर है वो सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए आधे घंटे बाद ये जो ऊपर का कागज़ है वो सॉफ्ट हो गया है, वो उतरना शुरू हो गया। इसको दबाओ तो ये हाथ से उतर रहा है, पर इतना भी मतलब इजी नहीं उतरा। तो हम इसके लिए ये जो ब्रश होता है स्टील वूल है, इससे मैं इसको निकालूंगी। ये देखिए स्टील वूल से ये इजीली उतर रही है क्योंकि उसको हमने काफ़ी देर पानी में डिप करके रखा है, और ये पानी भी थोड़ा कोजी था इसलिए ये जल्दी से कागज़ जो है वो स्टिकर जो है वो इजीली उतर रहा है। अब मैंने सारा स्टिकर उतार लिया है, स्टिकर तो उतर गया लेकिन जो ग्लू है वो अभी भी इसके साथ चिपकी हुई है। ये बॉटल अभी भी टच करने से चिप कर रही है। अगर हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे तो इसके ऊपर डस्ट पड़ जाएगी और ये दिखने में और भी गंदी हो जाएगी। तो अब मैं इसको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है इसके लिए। इसके लिए आपको चाहिए वेजिटेबल ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल जो आप यूज़ करते हैं घर में वो लेना है, और उसको सारी बॉटल पर इस तरह से आपने लगा देना है। यहाँ से इसको अच्छे से फैला देना है पूरी बॉटल में, जहाँ पर ग्लू लगी है आपने पूरी बॉटल पर इसको ऑयल को लगा देना है। यह ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वेजिटेबल ऑयल हो जो आप जिसमें खाना पकाते हैं। तो ये मैं अपने दोनों कंटेनर्स पे लगा रही हूँ। देखिए मैंने दूसरे का भी इसी तरह से लगाना शुरू किया। दोनों कंटेनर पर लगाने के बाद हम फिर से थोड़ा कोजी वाटर लेंगे और उसमें दोनों कंटेनर को हम भर देंगे, और पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारी जो ये बॉटल्स हैं जो कंटेनर है वो मेल्ट हो जाएगा, उसकी शेप बिगड़ सकती है। आपने पानी बिल्कुल कोसा लेना है, बिल्कुल पानी ऐसा हो ना बहुत ठंडा हो। तो अब हम दो तीन मिनट रखने के बाद उसे फिर हम
एक आप मैंने पानी और ऊपर से मैं अब कोई भी आप डिश वॉशर ले सकते हैं, अब उससे आप इसको वॉश करेंगे। और लेंगे एक स्कॉच ब्राइट से इसको, फिर से हम जो ऊपर ऑयल लगाया था उसको हम साफ़ करेंगे। ये वही पानी है, पानी क्योंकि ये अभी ही थोड़ा कोजी है इसलिए जल्दी से इसे वॉश हो जाएगा। तो ये देखिए इसकी जो ग्लू है वो उतरनी शुरू हो गई है, तो इसको मैं अच्छे से अभी फिर से वॉश करूँगी। देखिए मैंने वॉश कर लिया, बस इसको एक बार पानी में से साफ पानी में से निकालना है। ये मैंने ये अच्छे से अब धो लिए हैं, देखिए बिल्कुल अब इसमें कोई चिपचिपा नहीं, कोई ग्लू नहीं है, एकदम ये साफ हो गए कंटेनर। तो ये देखिए मैंने पोंछ लिए, अब ये सूख भी गए हैं, इनको अच्छे से मैंने पोंछा, ये सूख गए एकदम, ये शाइन कर रहे हैं। आप इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, अब ये देखने में भी हम अगर किचन में रखें तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैंने ये देखिए अपने छोटे थोड़ा सा सामान था जो मेरा बचा हुआ, मैं इसे इस तरह से डाल देती हूँ तो ये यूज़ हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं। एक में मेरे कॉर्नफ्लोर है और एक में मीट मसाला है। ये देखिए मैंने इस तरह से ये स्टिकर्स भी लगा लिए जो देखने में अच्छे लग रहे हैं। आपको अगर मेरा अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।